हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक वॉर है। एक तरफ वॉर में इजरायली आर्मी और वहां के लोग अपनी कंट्री को डिफाइंड कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टाइनी आतंकी संगठन हमास इजरायली लोगों को हॉस्टेज बनाकर उन्हें क्रुएल्टी से मार रहे हैं। ये वॉर एक रिलीजियस वॉर है, जहां पे एक तरफ यहूदी हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है। हमास का प्राइमरी टारगेट इजरायल के लोग हैं, बट इजरायल का प्राइमरी और आखिरी टारगेट हमास है। हमास ने इसराइल पर एक प्लांट अटैक किया, बट इसराइल चेंज द मैप ऑफ गाजा स्ट्रिप। बट इस करंट सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले इसराइल हमास को डीपली से समझना होगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन। 14 मई 1948 वो दिन था जब दुनिया भर में यहूदी लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया। पड़ोसी अरब देशों ने इसराइल की आज़ादी को स्वीकार तो बिल्कुल भी नहीं करा, और दूसरे ही दिन 5 देशों की मिलिट्री ने एक नए बने देश पर हमला कर दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तब तक इसराइल नाम के कोई देश का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं था। इसराइल के प्रेजेंट एरिया से लेकर वेस्ट बैंक तक का पूरा एरिया पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता था, जहाँ अरेबिक मुस्लिम के साथ ज्यूइश रिफ्यूजीज के तौर पर पैलेस्टाइन में रह रहे थे। यहीं से पैलेस्टाइन और रिफ्यूजीज के बीच प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, जो प्रॉब्लम आज तक जारी है। अरब देशों के करीब 6 लाख यहूदी रिफ्यूजीज और वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में बचे 2.5 लाख लोग इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट के बाद वहाँ पर कुछ सालों के बाद आकर बस गए थे। इससे इसराइल में यहूदी लोगों की संख्या डबल हो गई थी। 1897 में पैलेस्टाइन की एरिया में यहूदियों का हरासमेंट हो रहा था। यहूदियों ने अपने इस हरासमेंट से बचने के लिए एक प्रोटेस्ट की शुरुआत की। इतिहास में इस प्रोटेस्ट का नाम ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ज़ायोनिस्ट मूवमेंट में यहूदियों को पैलेस्टाइनी लोगों के अगेंस्ट सक्सेस मिली, और उन्होंने इस एरिया में एक इसराइल नाम के देश को इस्टेब्लिश किया। चैप्टर 2, हाउ डिड इसराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन इंक्रीज। ये है गाजा स्ट्रिप, जो अपना बॉर्डर इसराइल और इजिप्ट से शेयर करता है, लेकिन इस एरिया को हमास कंट्रोल करता है। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कई बड़े बड़े देशों ने उसे टेररिस्ट का दर्जा भी दे दिया है। हमास का मेन मोटिव पैलेस्टाइन को इसराइली ऑक्यूपेशन से बचाना है। अगर हम मैप पर नजर डालें तो ये देख सकते हैं कि कैसे 1917 से अब तक पैलेस्टाइन पर इसराइल का कब्जा बढ़ता चला गया। 1967 के वॉर में इसराइल की आर्मी ने पूरे हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन पर अपना कंट्रोल जमा लिया। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा पैलेस्टाइनियों को उनके घर से निकाल दिया गया। पिछले कुछ सालों में इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच कई क्लैशेस हुए हैं, जिसमें कि कुछ स्पोरैडिकली हैं तो कुछ डिस्ट्रक्टिव हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही इसराइल एकमात्र एक ऐसा देश बन चुका है जो पूरी तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। चैप्टर 3, कंट्रोवर्सी ओवर जेरूसलम। फिलिस्तीनी लोगों के लिए जॉर्डन और इजिप्ट जैसे कई अरब कंट्रीज ने लड़ाई लड़ी, मगर उनकी हार की वजह से पैलेस्टाइन एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया। जॉर्डन के कब्जे में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक के नाम से दे दिया गया, जबकि इजिप्ट के कब्जे में जो जमीन आई उसे गाजा स्ट्रिप कहा गया। वहीं जेरूसलम शहर को वेस्ट में इजरायली सिक्योरिटी फोर्स और ईस्ट में जॉर्डन के सिक्योरिटी फोर्स के बीच बांट दिया गया। ये सब कुछ बिना किसी शांति समझौते के किया गया था। 1967 में जब दोबारा से वॉर हुआ तो इस बार इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा कर लिया। गाजा से तो इसराइल पीछे हट गया, मगर उसने वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जारी रखा। इसराइल ईस्ट जेरूसलम को अपनी कैपिटल के तौर पर धोने का दावा करता है, जबकि पैलेस्टाइन लोग उसे अपनी फ्यूचर की कैपिटल मानते हैं। ज्यादातर फिलिस्तीनी लोग अभी तक वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग गाजा स्ट्रिप पर भी रहते हैं। जेरूसलम शहर जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी तीनों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जेरूसलम में अल कस्का मस्जिद मौजूद है, जिसे इस्लाम की सबसे हॉलो मॉस्क्यू में से एक माना जाता है। चैप्टर 4, इसराइल एंड हमास कॉन्ट्रोवर्सी। 2007 के बाद हमास से इसराइल पर रॉकेट से कई बार हमले होते रहते हैं। इसी वजह से इसराइल ने गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर्स को लॉक करके रखा हुआ है। गाजा में पानी और इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा स्कैसिटी भी रहती है।
इसराइल ये क्लेम करता है कि ईरान और कई अदर देशों से इजिप्ट के रास्ते हमास को वेपन सप्लाई करे जाते हैं। सिचुएशन को देखें तो गाजा चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेफ्ट में गाजा के मेडिटेरेनियन सी और राइट में इसराइल है और नीचे की तरफ से इजिप्ट है। बट साथ ही इजिप्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो गाजा के लोगों को अपने एरिया में आने तो बिल्कुल भी नहीं देगा। चैप्टर 5 द करंट सिचुएशन ऑफ इसराइल एंड हमास। 7 अक्टूबर 2023 हमास के आतंकियों ने इसराइल पर एक प्लैंड अटैक किया। सबसे पहले इन आतंकवादियों ने जबरदस्ती इसराइल में एंटर किया और इसराइली लोगों को किडनैप करके उन्हें हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया, जिसकी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया में फैल चुकी है। 50 से ज्यादा लोगों को हमास ने हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, जबकि 900 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। 2700 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। इन टोटल 1300 से ज्यादा जगहों पर रॉकेट से हमले भी हुए हैं। साथ ही हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट से हमले किए हैं। इसराइल ने हमास के कई रॉकेट्स को आयरन डोम से रोक दिया, बट बहुत से लोगों की जान भी चली गई। इन रॉकेट्स ने इसराइल के कई घरों को तबाह कर दिया है, जिसके बाद इसराइल की गवर्नमेंट ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. यानी कि यहां से शुरू होता है गाजा पट्टी के खात्मे की शुरुआत। इसराइल ने सबसे पहले अपने सिटीजंस को बॉम्ब शेल्टर में छिपने के लिए ऑर्डर दिए। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 5-पॉइंट एक्शन प्लान डिक्लेयर करे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जो इन्फिल्ट्रेटर्स इसराइल के अंदर हैं उन्हें एलिमिनेट करना। सेकंड पॉइंट, हमास के अगेंस्ट मैसिव अटैक करना। थर्ड पॉइंट है, बॉर्डर पर अलर्ट रहो और सिक्योरिटी को बढ़ाओ। फोर्थ पॉइंट है, इंटरनेशनल सपोर्ट को जनरेट करना। एंड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज, लोगों को एक साथ जोड़े रखना। ये सारे पॉइंट्स इसराइल को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि वो हर जगह जहाँ पर हमास छुपकर बैठा है उसे मिट्टी में मिला देंगे। खबरें कहती हैं कि इसराइल ने 1500 हमास टेररिस्ट को मार दिया है। फिर गाजा की हर जगह पर अटैक हुआ। इसराइल ने हमास के हॉस्पिटल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। गाजा को इसराइल ने घेर लिया है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अंदर खाना नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी, मेडिसिन प्रोवाइड नहीं होगी और इसी कारण टेररिस्ट को सरेंडर करना ही पड़ेगा। इसराइल ने गाजा के लोगों को लास्ट वार्निंग दी है कि उन्हें जल्दी से जल्दी गाजा स्ट्रिप से मूव करना होगा, ताकि निर्दोषों को ना मारा जाए। एंड नाउ इसराइल गाजा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। बट वहीं दूसरी तरफ इसराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हॉस्टेजेस को सेफली रेस्क्यू कराना, जिसमें इंटरनेशनल लोग भी शामिल हैं। आज इसराइल और हमास की वॉर से दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है। इसराइल को यूके, यूएस, भारत और यूरोप खुलकर सपोर्ट कर रहा है। ऋषि सुनक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ट्वीट करते हुए कहते हैं कि जो लोग हमास को सपोर्ट करते हैं और उन्हें फ्रीडम फाइटर मानते हैं, वो लोग भी इस हमले के जिम्मेदार हैं। और वहीं दूसरी तरफ लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान ने हमास का सपोर्ट किया है, जिसे एक बार फिर से मिडल ईस्ट में एक वॉर देखने को मिल सकती है।